बच्चों आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो चुका है। दो वीडियोस हैं इसके, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस आ चुके हैं, चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है। आज करने वाले हैं हम क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो ब्लू कलर से आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस साइड आपको सारे क्वेश्चंस लिखे मिल जाएंगे। तो मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा पढ़ाई का चैनल एनसीईआरटी मैथ साइंस 9th 10th। हम इस चैनल पे 9th और 10th की प्रिपरेशन करते हैं, मेन फोकस होता है मैथ्स और साइंस। ठीक है, तो बिना ज्यादा समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट आपके पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा पेज 47 का पहला क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं? गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्डस्टीन याद आया, पहले वीडियो में मैंने बनाया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, ये रखा था इन्होंने कैथोड, ये रखा था एनोड, ऐसे इसको कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल से, और इसके अंदर रखी थी गैस अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर बहुत ही कम प्रेशर पे गैस थी। तो हुआ क्या? हुआ यूं कि इसके यहां से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे करके पास हुई, इसके इसमें कोई कंडक्टिव मटेरियल नहीं था, सिर्फ गैस थी, एक्सट्रीमली लो टेम्प लो प्रेशर। तो जब ये गैस पास हुई तो यहां से इनको मिला कैनाल रेज। सो कैनाल रेज की डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कैनाल रेज आर द रेज विच वर ऑब्जर्व बाय कैनाल रेज आर ऑब्जर्व बाय गोल्डस्टीन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर। उनको जो रेज मिली थी वो कैनाल रेज थी। और दूसरा आइटम इसमें आप लिख सकते हो दीज आर पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज ठीक, पॉजिटिवली चार्ज थी। हुआ क्या कि जब आपने पोटेंशियल लगाया तो आपका हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल इधर, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गए और बीच में जो गैस थी उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और गैस के जो एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और वो इस तरफ को जाने लग गया। तो इस साइड में उन्होंने एक स्क्रीन रखी हुई थी मॉनिटर करने के लिए कि इधर क्या आ रहा है, इधर भी रखी थी। तो इस स्क्रीन पे इनको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले, बाद में पता चला कि वो अल्फा पार्टिकल्स थे और ये गैस जो थी वो इनके बीच में हीलियम गैस थी। ठीक, तो हीलियम गैस में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल बनता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आ रहे थे तो बीच में हीलियम के एटम मिले होंगे, कोई कोई एक एटम मिले, उस टाइम एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता था, लेकिन आज हमको पता है कि हीलियम के एटम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर का एक इधर का, अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे क्योंकि ये डिसकंडक्टिंग हो गई थी ये गैस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे थे तो इधर के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराया और इसको निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज हीलियम और ये इस तरफ में आने लग गया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और यहां पे जो स्क्रीन रखी थी उस पर इनको ऑब्जर्वेशन मिली कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उनको पता नहीं था इतना, तो उस टाइम उसका नाम दिया गया कैनाल रेज। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 47 पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? तो
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1 यूनिट और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज कितना हुआ -0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 0। लेकिन आपको पूरा बताना पड़ेगा, ऐसा सिंपली 0 नहीं लिख सकते। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन सेट दिया आपके पेज नंबर 49 पे, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है पेज नंबर 49 का, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन हाउ एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। थॉमसन मॉडल के बेसिस पे मान के चलना कि थॉमसन मॉडल है एटम का, वही सही है, तो उसके बेसिस पे हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। ये क्वेश्चन दिए हुए पेज नंबर 49 पे, पहला सेट। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल क्या था बच्चों, वाटरमेलन मॉडल था बेसिकली। क्या था वाटरमेलन मॉडल, कि अंदर सा वाटरमेलन का जो मटेरियल है जो हम खाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बीच की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ठीक। तो ये था वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन। तो इसके हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक सीड्स। एंड पॉजिटिव चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम। डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एटम, तो पॉजिटिव पूरे में फैला हुआ, इलेक्ट्रॉन बीच की तरह बीच में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो बस यही है ना कि पॉजिटिव पूरे में फैला हुआ, इलेक्ट्रॉन बीच में, तो टोटल टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज अभी भी एटम पे 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन भी दोनों ही एटम के अंदर है ना, तो टोटल चार्ज कितना हो गया -0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेट चार्ज हो गया 0। तो यही था थॉमसन मॉडल में भी, कि थॉमसन मॉडल में भी नेट चार्ज 0 तक एक्सप्लेन हो जा रहा था, लेकिन रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, दिक्कत तो वहां पे आई थी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अच्छा, अब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा, ये पूछ रहा है ना। अब रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि भाई सारा मास जो होता है वो सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, और सारा चार्ज भी न्यूक्लियस पे होता है। अब सोचो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनमें से मास किन किन में होता है, मास होता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, यहाँ 3 नहीं 2। ठीक है, सेंटर पे सारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज एट सेंटर, और क्या बोला था रदरफोर्ड ने कि ऑल मास इज एट सेंटर, का सेंटर पे सारा मास है, तो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मास होता है, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन में इनका मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है 0, बहुत छोटा होता है इसलिए 0 मानते हैं, तो जो सारा मास है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होगा, तो न्यूक्लियस में कौन होंगे, न्यूक्लियस में कौन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, यही दो चीजें हो सकती है, क्योंकि मास तो सारा इन्हीं में है और इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमते ही, रदरफोर्ड ने खुद ही बोला था, तो जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं और सारा मास सेंटर पे है, तो सेंटर पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही तो बचे, वही होंगे, इलेक्ट्रॉन तो आने बचेंगे सेंटर पे। ऑलराइट, चलो सेकंड पार्ट भी कर दिया हमने, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, ड्रॉ द स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, 3 शेल बनानी है बोर मॉडल, ठीक है, तो बोर मॉडल बना देते। बोर मॉडल क्या कह रहा था, रदरफोर्ड के सारे पोस्टुलेट्स को मान रहा था, सिर्फ एक चीज और उसने ऐड कर दी थी, वो ऐड कर दी शेल वाला कॉन्सेप्ट, एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, फिक्स्ड ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट ये, 3 ऑर्बिट थे, तीनों के नाम दे दिए थे के, एल और एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, और एम में 18 हो सकते हैं मैक्सिमम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने शेल्स में होंगे, शेल्स में कितने होंगे ये आपको पहले ही बता दिया गया है।
थिक 2 8 और 18। तो ये है बोर मॉडल। और शेल में नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे कितने वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इन एन ऑर्बिट लिख देते हैं, कितने होंगे 2n² यही होंगे। ऑलराइट, तो ये भी नील बोर ने बताया था। तो ये दोनों चीजें नील बोर ने बताई थी, ये उनका एटॉमिक मॉडल। इजी चीज है बच्चों, आप इसको समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। फोर्थ पार्ट कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इस क्वेश्चन सेट का, कि अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड की जगह कोई और मेटल यूज किया होता तो क्या ऑब्जर्वेशंस आती अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। अल्फा पार्टिकल की 3 ऑब्जर्वेशन थी ना, क्या थी पहली ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सम डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंगल वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी। अब सोचो अगर गोल्ड की जगह मान लो कि आयरन होता तो क्या फर्क पड़ता। पहली चीज तो यही है कि गोल्ड जो ना वेरी थिन फॉइल पॉसिबल, बहुत थिन फॉइल पॉसिबल होती गोल्ड के, कि गोल्ड के केस में क्योंकि हाईली मेलिएबल होता। आयरन के केस में थिन फॉइल नहीं होती, थिन फॉइल नहीं होती तो 1000 एटम्स की जगह अगर आयरन होता तो मे बी 10,000 एटम थिक फॉइल बनती, यही होता। तो 10,000 एटम थिकनेस होती तो जो वेरी फ्यू बाउंस बैक था, ये वेरी फ्यू की जगह पे थोड़े ज्यादा होते, क्योंकि जब 10,000 एटम लाइन से लगे होंगे उनसे पास करोगे तो न्यूक्लियस किसी ना किसी का बीच में आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी बदल जाती, वेरी फ्यू की जगह फ्यू होता। और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बैंक स्ट्रेट, तो सारे के सारे स्ट्रेट निकल गए क्योंकि 1000 ही एटम्स थे लाइन में एक के बाद एक के बाद। अब अगर 10,000 एटम होते 10 गुना ज्यादा तो सारे अल्फा पार्टिकल हो सकता नहीं निकल पाते, कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से ज्यादा टकराते, कुछ अल्फा पार्टिकल बेंड भी ज्यादा होते और बाउंस भी ज्यादा होते। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है ना ये थोड़ा सा कम हो जाता, मैक्सिमम की 99.99% पास होते उसकी जगह पे कुछ कम होते, ये थोड़े बढ़ जाते, ये थोड़े बढ़ जाते। क्यों बढ़ जाते, क्योंकि थिकनेस आपकी फॉइल की बढ़ गई। गोल्ड के केस में आपकी थिकनेस थी इतनी, लेट्स से ठीक है दिस इज गोल्ड। तो आयरन के केस में मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आयरन के केस में हो सकता है आपकी थिकनेस इतनी होती, यहां पे बहुत सारे एटम होते बिकॉज आयरन इज नॉट मेलेबल, तो ये आयरन हो गया, उतना मेलेबल नहीं जितना गोल्ड है। तो इतनी थिन फॉइल गोल्ड की पॉसिबल थी, आयरन की पॉसिबल नहीं थी। तो थिन फॉइल ना होने की वजह से बहुत सारे एटम न्यूक्लियस से टकराते, रिफ्लेक्ट होते, बाउंस बैक होते और कम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू होते, बस ये दोनों चेंजेस आ जाते। तो आपको समझ में आ गया ना, या मैं लिख दूं, यार लिखना क्या है, सिंपल सी चीज है, ये बढ़ जाता, रिफ्लेक्टर भी बढ़ जाता, बाउंस बैक भी बढ़ जाता, ये कम हो जाता बस। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे एरो बना देता है ना, एरो से आप समझ जाओगे ना। चलो एरो बना देते हैं। तो जब गोल्ड की जगह पे कोई और एलिमेंट लेते फॉर एग्जांपल आयरन, तो ये कम हो जाते, ये थोड़े से बढ़ जाते और ये भी बढ़ जाते, दोनों बढ़ जाते, ये हो जाते कम, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन में चेंज आ जाता। चलो फोर्थ भी कर दिया हमने, अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 49 पे। ही दूसरा सेट क्वेश्चन कर दिया हुआ है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। दूसरा पूछता है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास 0 चार्ज माइनस 1, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट चार्ज 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट चार्ज 0, बस यही डेफिनेशन है इनकी।
हीलियम एटम है एटॉमिक मास यूनिट ऑफ 4। अब हीलियम एटम की बात करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। हीलियम एटम का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना होगा 4, और एटॉमिक नंबर कितना है 400। अच्छा, एंड 2 प्रोटॉन इनटू इट न्यूक्लियस। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। अब बता तो रहा है, खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन की 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन आर 2, तो न्यूट्रॉन कितने हुए, यहां से न्यूट्रॉन निकाल लो, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 2 = 2, तो 2 न्यूट्रॉन हुए, क्योंकि टोटल मास तो पता था 4 है और 2 प्रोटॉन है, तो बचे तो क्या न्यूट्रॉन ही तो हुए। सिंपल है यार, बच्चों वाली मैथ्स है। चलो ओ खत्म, चलो पेज नंबर 50 क्वेश्चंस करते हैं। बहुत तेजी से खत्म हो रहा है यार ये, तो बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है भाई साहब। पेज नंबर 50 पे आ जाइएगा, पेज नंबर 50 पे भी एक क्वेश्चन सेट दिया हुआ है। पेज नंबर 50 पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो पहले तो ये समझ लेते कि कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते कितने, कार्बन यहां 12, यहां 6, यहां ये मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर। तो जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए कार्बन में 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कार्बन में, तो यहां से हमको पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। अब शेल कितने होते, शेल कैसी होती है, के होती है, एल होती है, एम होती है, के कैपेसिटी 2, एल की 8, एम की 18, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होता तो पहली शेल में कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक 2 आ गए। दूसरी शेल में कितने आएंगे, 2 चलेंगे, तो बचे कितने 4, दूसरी शेल में 4 आ जाएंगे। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के में 2 और एल में 4, ये है आपकी के और ये है एल, बस यही है आपका आंसर। के में 2 होंगे, एल में 4 होंगे। दूसरी बात आपने क्या बोली, सोडियम पूछा है, सोडियम तो सोडियम का भी बना लेते हैं। तो सोडियम का एटम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, सोडियम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हुए 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हुए 11। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है और के एल एम कैसे होता है, के में 2, एल में 8 और एम में 18, तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो यहां पे खत्म हो गए, लिखेंगे 2 तो यहां खत्म हो गए, बचे कितने 9, यहां पे कितने आ सकते हैं 8, तो 8 यहां आ गए, बचा कितना 1, वो यहां आ गया। तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम, सोडियम में के एल एम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन, के में 2, एल में 8 और एम में 1, बस यही है। कार्बन और सोडियम को बता दिया हमने, इसमें क्या दिक्कत थोड़ी है कुछ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पेज नंबर 50 का, कि इफ के एंड एल शेल ऑफ एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बढ़िया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि आपके पास के एंड एल इज फुल, फुल का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन के भर गए और 8 इलेक्ट्रॉन एल के भर गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितना हो गया 2 + 8 = 10। कौन से एटम की बात हो रही है यहां पे, याद करो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 एटॉमिक नंबर कौन से एटम का होता है, नियॉन, याद आया, नियॉन के 10 होते हैं। तो ये नियॉन की बात कर रहे हैं जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया, यहीं तक आंसर का मतलब हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा है तो दे दी, क्या दिक्कत है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। पेज नंबर 52 पे आ जाओ, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया बताते हैं। पेज नंबर 52 एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्या है वो क्वेश्चन बतलाओ जल्दी से। 52
52. How will you find the valency of a chlorine, sulfur and magnesium? मैग्नीशियम ठीक वैलेंसी फाइंड करने क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की क्लोरीन सीएल सल्फर एस और मैग्नीशियम एमजी एटॉमिक नंबर चाहिए हमको बेसिकली उसी से पता चलेगा हमको इलेक्ट्रॉन्स कितने क्लोरीन का 17 सल्फर का 16 मैग्नीशियम का 12 तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 17 हुए 16 हुए 12 हुए ठीक केएलएम पता है आपको केएलएम तो पता होना ही चाहिए KLM 2 8 16 यही है मैक्सिमम अब यहाँ पे लिख दो KLM 17 इलेक्ट्रॉन है K में तो दो ही आ सकते हैं L में 8 आ सकते हैं 8 और 2 मिलाकर कितने हो गए 10 बचे कितने 7 M में आ गए 7 16 के केस में बताओ 2 8 8 और 2 10 10 और 6 यहाँ बचे तो M में आ गए 6 मैग्नीशियम की बात करते हैं मैग्नीशियम में भी 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 और 10 बचे 2 ठीक M अब इन सब के केस में M क्या है आउटर मोस्ट शेल है राइट M इज आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल फॉर दीज थ्री एलिमेंट्स ठीक आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सो फॉर मैक्स स्टेबिलिटी M should have 8 electrons हो जाएगा तो सबसे स्टेबल हो जाएगा आउटर मोशन में 8 ही हो सकते हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्लोरीन को 1 तो इसकी वैलेंसी हो गई 1 एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसकी M शेल में 8 हो जाएंगे 8 हो गए तो ये पूरी तरह से स्टेबल हो गया इसको कितने चाहिए 2 मिल गया तो 6 और 2 8 8 हो गया तो पूरी तरह से स्टेबल हो गया इसको चाहिए भाई साहब 6 कितने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड ठीक हाँ गलत लिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स नीडेड को हम यहां पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स नीडेड और यहां पे बनाएंगे वैलेंसी तो इलेक्ट्रॉन नीडेड कितने थे 1 2 और 6 एक इलेक्ट्रॉन नीडेड आसानी से कोई भी दे देगा तो इसकी वैलेंसी हो गई 1 स्टेबल हो जाएगा जैसे ही 1 मिलेगा इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी हो गई 2 जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ये भी स्टेबल हो जाएगा सल्फर लेकिन मैग्नीशियम को चाहिए भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कोई हलवा नहीं है इसको मिलेंगे नहीं तो इसने खुद सोचा कि यार मुझे 6 इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं सकते तो बेटर है कि मैं 2 हैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनको भी इधर से निकाल दूं और जब मैं इनको निकाल दूंगा तो मेरे पास 8 ये शैली खत्म हो जाएगी और L में मेरे 8 ऑलरेडी है तो इसका मतलब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 होगी नॉट 6 क्यों नहीं 6 होगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 को निकालना आसान है बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ठीक तो 2 को ये निकाल देगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा एम शैली खत्म हो गई जब एम शैल खत्म हो गए तो ये 8 इसके ऑलरेडी स्टेबल है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकेगा तो इसका मतलब इसकी स्टेबल वैलेंसी होगी 2 मतलब कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है इसकी भी 2 है और इसकी 1 है ठीक तो ये है वैलेंसी ऑलराइट चलो हमने कोई पेज नंबर 52 के भी सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं और 52 पे एक और क्वेश्चन सेट दिया हुआ है उसके भी क्वेश्चंस करते हैं If number of electrons in an atom is 8 and the number of proton is also 8, then what is the atomic number of atom? What is the charge on the atom? बस दो चीजें बताइए पूछिए चलो बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 प्रोटॉन कितने हैं 8 व्हाट इज एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना हो गया एटॉमिक नंबर क्या होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 ये हो गया एटॉमिक नंबर चार्ज ऑन एटम चार्ज कितना होगा प्रोटॉन प्लस के होते हैं और माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं तो जब प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है
तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 8 - 8 = 0, नेट चार्ज हो गया 0। बस यही था। विद द हेल्प ऑफ टेबल 1.4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। अब टेबल 4.1 पे जाओगे तो सल्फर एटम मिलेगा आपको और ऑक्सीजन एटम मिलेगा। तो उस टेबल नंबर 1.4.1 में साफ साफ लिखा हुआ है यार कि सल्फर का मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दो। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दो। ठीक, तो जब सल्फर पे जाते हो तो क्या मिलता है, सल्फर 16। ठीक, जब सल्फर पे जाते तो क्या मिलता है, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हो गया, 32। ऑक्सीजन पे जाते तो क्या, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना हो गया, 16। बस ऐसी फाइंड करना है और क्या करना है, कुछ रॉकेट थोड़ी लगाना है। राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोमर। आइसोटोप का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो सेम ही होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। सेकेंड क्वेश्चन, आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन 17-35 और क्लोरीन 17-37, दोनों में एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दोनों में 17 हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन KLM 287 यही होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में, क्योंकि दोनों का ही एटॉमिक नंबर 17 है। ये तो आइसोटोप की बात हो गई, आइसोबार की बात कर लेते हैं। आइसोबार में आपका आर्गन ले लेते हैं जो है कितना, 18 और 40, और कैल्शियम ले लेते हैं 20 और 40, ये आइसोबार है। तो आइसोबार का भाई एटॉमिक नंबर ही अलग है, जब एटॉमिक नंबर अलग हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 18, और इसमें कितने हो गए 20, तो उसी हिसाब से चलेंगे। आर्गन बना लेते हैं यहाँ पे, आर्गन के क्या होगा, के में 2 रहेंगे, एल में 8 रहेंगे, 2, 8, 10, बचे कितने 8, एम में भी 8 आ गए। लेकिन कैल्शियम के केस में क्या होगा, 2 रहेंगे, यहाँ पे 8 रहेंगे, 2 और 8, 10, बचे कितने 10, तो एम में, लेकिन 8 ही आ सकते हैं, तो एम में 8 रहेंगे, और ये के एल एम और यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट है एम, तो एम में 8 रहेंगे और एन में आ जाएंगे 2 बचे हुए। दोबारा समझो, आर्गन में इलेक्ट्रॉन थे 18, 2 यहाँ पे आ गए, 8 एल में आ गए, एम में 8 आ गए, तो ये सब मिला करके 2 और 8, 10, 10 और 8, 18 बराबर हो गया, सेट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। कैल्शियम में 2, 8 और 8 आ गए, कितना हो गए, 18 हो गया, अभी भी बच रहे थे 2, एम में आ सकते हैं 2 से 8 से ज्यादा, लेकिन एम हो जाएगी आउटर मोस्ट शेल। अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा एम में, तो एम हो जाएगी आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो ये कहाँ गए, ये यहाँ पे आ गए 2 एक्स्ट्रा, तो 2, 8, 2, 8, 2, ये हो गई कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन, ये 2, 8, 8 हो गई आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट इस क्वेश्चन का ये था कि आइसोटोप की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और आइसोबार की अलग अलग होती है, ये था पॉइंट, जो पॉइंट समझ में आ गया ना। चलो इसके साथ ही अपन ने सारे क्वेश्चन कर दिए और अब इस चैप्टर का एक आखिरी वीडियो रह जाएगा जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज। तो बच्चों अब मैं आपको ग्रास की बात बताने जा रहा हूं, आपको एक ना अद्भुत शक्ति मिल जाएगी, क्या करना होगा उसके लिए, आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। जैसे आप शेयर करोगे एकदम एकदम चमक चमकती धमकती शक्ति मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। मजाक कर रहा हूं, आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।